नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कालक छुरवी की एक और नई वीडियो में। तो भाई अभी अपने सामने है न्यू टाटा पंच, जो कि भाई बेस वेरिएंट अपने सामने है, यानी कि टाटा पंच प्योर। अब भाई टाटा पंच का नाम सुनते ही ना एक ऐसी इस गाड़ी ने अपनी इमेज बना दी कि हर एक बंदा भाई इस गाड़ी को जो है अच्छे से पहचानने लग गया है। यानी कि भाई जो टाटा पंच है, इसने अपने सेगमेंट की सारी गाड़ी को एक जो है अच्छा खासा पंच दे दिया है। बात की जाए प्राइस की, तो यहाँ पे आपको जो है 5,99,900 रुपये में एक्सोरूम प्राइस इस गाड़ी का मिलने वाला है। लेकिन भाई जानेंगे इस वीडियो में कि गाड़ी में कितने क्या फीचर आपको इस प्राइस में मिलने वाले हैं। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो सारी गाड़ी को इसने जो है पीछे छोड़ रखा है अपने सेल्स पॉइंट में। लेकिन भाई जो टाटा पंच का बेस वेरिएंट अभी अपने सामने है, इसमें आपको जो है एक एड ऑन पैक भी मिल जाएगा, जो कि टच स्क्रीन और रियर कैमरा। आप इसको कंपनी फिटेड इंस्टॉल करा सकते हैं, वो भी दिखाएंगे। गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करें फ्रंट फेसिया की, तो यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा विद ORBM के साथ। बाकी कुछ इस तरह से रहने वाला है गाड़ी के फ्रंट फेसिया, जो कि यहाँ से आपको जो है 3D हेडलैम्प ईयर कटन के साथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से नीचे फॉगलैम्प की हाउसिंग देखने को मिलेगी और सामने से ट्राई एरो डिजाइन, कुछ टाटा क्रोम लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में पियानो ब्लैक फिनिश कुछ इस तरह से आपको जो है मिलने वाला है टाटा पंच का फ्रंट फेसिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। जस्ट लाइक आपको जो है हैरियर से मिलता जुलता जो है इस गाड़ी का फ्रंट फेसिया दिखने वाला है। बाकी ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी की आपको साइड प्रोफाइल मिलने वाली है। जैसे कि टाई साइज यहाँ पे आपको जो है बेस मॉडल के साथ 15 इंच का रहने वाला है। बात करें गाड़ी के रियर व्यू साइड की, यानी कि रियर की, तो रियर और जो साइड का लुक है वो काफ़ी बढ़िया आ जाता है इस गाड़ी के साथ, जो कि काफ़ी प्यारा दिखता है। इस हैचबैक के साथ अगर रियर लुक की बात की जाए वो काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। लेकिन भाई लुक्स के मामले में अपनी अपनी अलग अलग चॉइस ज़रूर हो सकती है। फिलहाल यहाँ से आपको जो है ट्राई एरो डिजाइन में 3D हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। नीचे से ट्राई एरो डिजाइन में रिफ्लेक्टर विथ यहाँ से आपको जो है दो रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। आपको जो है रिफ्लेक्टर के साथ दो रियर पार्किंग सेंसर और यहाँ पे आपको जो है कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ब्रेकिंग पार्किंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से टाटा पंच की बैजिंग, टाटा क्रोम लोगो, हाई स्टॉप माउंट टेलम, साथ में पावर इंटीने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलने वाला है गाड़ी का रियर लुक साथ में टाटा पंच की बैजिंग के साथ। यहाँ से इसको करते हैं ओपन और देखते हैं बूट स्पेस, तो यहाँ पे आपको जो है 366 लीटर का एक बेहतरीन बूट स्पेस मिलने वाले है विद पार्सल ट्रे के साथ, जो कि बूट स्पेस इस सेगमेंट की गाड़ी में काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। जिस गाड़ी का बूट स्पेस है वो 366 लीटर, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। एक कॉम्पैक्ट SUV का बूट स्पेस इतना रहता है जितना बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको जो है मिलने वाला है। बात करें भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, किस तरह से आपको जो है मिलने वाली है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो यहाँ से आपको जो है काफ़ी बेहतरीन इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल मिलने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे देती है, रोड प्रेजेंस को काफ़ी बढ़िया बना देती है। लेकिन इंटीरियर की बात की जाए तो भाई कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं डोल टोन में गाड़ी के इंटीरियर। फ्रंट से दो पावर विंडो और यहाँ से आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश और कुछ यूटिलिटी स्पेस। बाकी फिलहाल डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ से आपको जो है मिलने वाला है काफ़ी बेहतरीन डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको एक चीज में पहले बताने वाला भाई, अभी अपन आ चुके हैं इंटीरियर के अंदर, और इंटीरियर में भाई सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफी बेहतरीन दिखता है। यहाँ पे आपको जो है कितने फील्ड में कितने किलोमीटर चलेगी, यानी कि डिस्टेंस टू पीटी, कोई भी सर्विस रिमाइंडर है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उससे भी बड़ी चीज भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 9.25 इंच की टच स्क्रीन ब्लू पंक के साथ, जो कि यहाँ पे आपको डीलर एसेसरीज फिटेड रहने वाली है। इसके साथ आपको कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप रियर का लुक देख सकते हैं, वो काफी बढ़िया इसमें आपको जो है कैमरा मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी क्वालिटी आपको इस कैमरे की देखने को मिल जाएगी। फिलहाल ये पूरी डिस्प्ले जो है एंड्रॉयड रहने वाली है, इसमें आपको वीडियो भी सपोर्ट करेगी, HD, YouTube वगैरह सब नेविगेशन सब इस डिस्प्ले में आपको जो है सपोर्टेबल मिलने वाला। सिर्फ इस डिस्प्ले और कैमरे का प्राइस वो है 29,500 रुपए। फिलहाल यहाँ से आपको जो है डोल्टोन का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि थेम है ना डोल्टोन की, वो काफी प्यारी दिखती है। यहाँ से पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि काफी बेहतरीन लुक दे देती है। यहाँ से आपको इसके भाई जरूर देखने को मिल जाएगी। स्टेरिंग पे सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ से फ्लैट बॉटम स्टेरिंग, साथ में यहाँ पे आपको जो है सिल्वर क्रोम फिनिश देखने को मिलने वाली है। यहाँ से आपको आइडल स्टॉप स्टार्ट और इको सिटी मोड देखने को मिलने वाली, इको मोड काफी बेहतरीन रहने वाला है आपकी ड्राइव परफॉर्मेंस के लिए। गियर नॉब की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको जो है प्यारी सी गियर नॉब देखने को मिलेगी, और यहाँ से भाई आपको जो है 12 बोल्ट का एक
चार्जर मेरे भाई देखने को मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह से रहने वाला है, जो कि डोल टाउन के साथ रहने वाला है। काफी बढ़िया यहाँ पे आपको जो है ग्लोव बॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब स्पीकर की बात की जाए तो यहाँ पे इस गाड़ी में 4 स्पीकर भी आपको बेस मॉडल में ही इंस्टॉल मिलने वाले हैं, क्योंकि टच स्क्रीन के और कैमरे के साथ आपको जो है 4 स्पीकर भी इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं। फिलहाल बात करते हैं गाड़ी के रियर कैबिन स्पेस की, कि रियर में आपको जो है किस टाइप का कितना स्पेस देखने को मिलने वाला है स्पेस, और कुछ इस तरह से आपको जो है भाई देखने को मिलेगा रियर स्पेस। बाकी सीट कवर आपको जो है एसेसरीज से अलग से इंस्टॉल कराने होंगे, यानी कि सीट कवर भी आप जो है कंपनी से डीलर से फिटिंग करा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है पीछे के पावर विंडो जो है मैनुअली एडजस्ट करने को मिलेंगे। यहाँ से पियानो ब्लैक फिनिश और कुछ इस तरह से आपको जो है डोल टोन देखने को मिल जाएगा गाड़ी का रियर डोर। तो भाई कुछ इस तरह से थे गाड़ी के कुछ ये वाले फीचर। अब बात की जाए इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको जो है 1200cc नेचुरली एस्पेडेड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 88.5 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क। तो गाइज यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।